सोए हुए, नींद नहीं खुला। 10 बजे? जी 10 बजे सोया हुआ था। 10 बजे? नहीं सर, 10 बजे तो कहीं गए हुए, कहीं गया था? डेंटिस्ट? डेंटिस्ट के। हाँ टेस्ट का पता चला? टेस्ट जो है उसका मेस्ट्रुअल साइकिल का था। वो तो है, एक बल्ब से 90% होना। नहीं सर, कहाँ नहीं पता चला? क्यों नहीं बताया? नहीं। हाँ बता दें ना, हाँ 7 जुलाई को टेस्ट है आप लोग का। आप लोग का भी है 7 जुलाई को टेस्ट है ना? 7 जुलाई को टेस्ट होगा है ना? 12th का सिलेबस क्या है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। चैप्टर 3 में कहाँ तक होगा? अप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल तक होगा। ठीक है, और एक 11th का भी टेस्ट है 7 जुलाई को ही। ना इसमें आपको चैप्टर 22 है, चैप्टर 22, चैप्टर 11 बायोमोलिक्यूल नोट्स से है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल नोट्स से है। ठीक है, इसमें सेपरेटली 90 क्वेश्चन है। इसमें सेपरेटली 90 क्वेश्चन जो बच्चा एक दोनों को मिला के देगा, कंबाइन देना चाहते हो, कंबाइन उसको 90 क्वेश्चन है उसमें भी। समझा जी? जो अलग सिर्फ यही देना चाहता टेस्ट, 90 क्वेश्चन देगा। ये अलग से दोगे तो 90 क्वेश्चन है, और दोनों मिला के दोगे तो 90 क्वेश्चन है। सब 7 जुलाई को है। टाइमिंग टाइमिंग क्या है आपको? 12 बजे से होगा, सॉरी 1 बजे से होगा। ठीक है, दिन में है। ठीक है, ये मिला मिला के देंगे तब 90 को सर। सर के दोगे तभी 90 क्वेश्चन का टेस्ट होगा दिन। हाँ, अलग दोगे तो इसमें अलग से 90 क्वेश्चन लेंगे, इसमें अलग से 90 क्वेश्चन। दो सेट तैयार हो रहा है, तुम दोनों देगा अलग अलग, 180 हो जाएगा। yes, हाँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है, एंजाइम नहीं है। नॉट एंजाइम, नॉट एंजाइम। असाइनमेंट जो दिए हुए हैं उससे टेस्ट है ये। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं है ये, बाकी सब एनसीईआरटी बुक है। ये सब एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है इसके लिए, इसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना है। यूट्यूब पे सबका वीडियो डाला हुआ है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। थर्ड तो अभी पढ़ा ही रहे हैं, मेस्ट्रो साइकिल तक तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आज हो ही जाएगा मेस्ट्रो साइकिल। देखो इसको, टेस्ट आप लोग का भी है ना? ये वाला तो होना ही है, देना ही है किसी हालत में। नहीं सर टाइम थोड़ा और देते ना। नहीं 7 जुलाई बोलोगे तो 6 जुलाई ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों, कल 5 जुलाई, 5 ही ले लो, ज्यादा बोलोगे 5 जुलाई ले लेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं आप।
हाँ ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट है, जिसको ऑनलाइन देना ऑनलाइन भी दे सकता है, दोनों मोड पे टेस्ट है। पैरेलली ऑनलाइन 1 बजे चलेगा, है ना, वीडियो कॉलिंग पे रहेगा, वो जूम ऑन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। हाँ कैसे ऑनलाइन देगा, और हाँ ऑफलाइन देगा ऑनलाइन, तुम लोग के लिए ऑफलाइन सुविधा, ऑनलाइन सुविधा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कल जो हम लोग बोल रहे थे है ना, मैच तो साइकिल, उसी हिसाब से बात करेंगे हम लोग। देखिए शुरू करते हैं, है ना। टॉपिक का नाम क्या रखे थे हम लोग कल, मेंस तो साइकिल टॉपिक था एक, है ना, और इसको समझने का टॉपिक है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका हमने कल डेफिनेशन समझा दिया था आप लोगों को, है ना। डेफिनेशन में हमने आपको बताया था आपको कि रेगुलर 28 डे साइक्लिक चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से। 28 डेज रेगुलर साइक्लिक चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। 28 दिनों तक जो लगातार बदलाव होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ना, ये आपको एक फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको मेनार्च के नाम से लाते हैं, मेनार्च, है ना। उसके बाद सेकंड आपको देखिए, मतलब जो लास्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ठीक है, एमसी स्टॉप फॉर ऑलवेज, है ना, एमसी स्टॉप फॉर ऑलवेज, है ना जी, फॉर ऑलवेज, है ना जी। तो इस घटना को क्या कहते थे हम लोग, है ना, इसको हम लोग आपको मेनोपॉज के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी और वजह से भी बंद हो सकता है, पुअर हेल्थ की वजह से भी बंद हो सकता है, या है ना जी, आपको कैन स्टॉप ड्यू टू द प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, जब बच्चा माँ का मिल्क पी रहा होता है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है। इस सब के लिए हम लोग क्या कहते हैं, है ना, एमिनोरिया के नाम से बुलाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन स्टॉप ना, आपको लिखा है ड्यू टू है ना प्रेगनेंसी, ना प्रेगनेंसी की वजह से भी ये आपको स्टॉप हो सकता है, या नहीं तो सर इसमें है ना आपको लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब बच्चा जब माँ का मिल्क ले रहा था, घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, लैक्टेशन के नाम से बुलाते हैं। ये भी आपको कारण हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने का। और एक होता है पुअर हेल्थ, है ना, ये भी हो सकता है पुअर हेल्थ हो, है ना, या मेंटली डिसऑर्डर हो, है ना, या मेंटल डिसऑर्डर हो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सब काम करना बंद कर दिया हो, है ना जी, मेंटली डिसऑर्डर हो, ये सब कारण भी आपको क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। ऐसे ऐसे केस के लिए हम एमिनोरिया इस्तेमाल करते हैं, एमिनोरिया, है ना जी। हमने आपको ये भी बताया था कल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्यूबर्टी स्टेट में स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, है ना, स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में आपको स्टार्ट होता है, है ना। इस दौरान बहुत से कुछ देखने को मिलता है इसमें, है ना, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन, है ना, और उसके बाद दूसरा क्या था आपको, इंडोमेटेरियम का चेंज होना, चेंज इन इंडोमेटेरियम लाइनिंग, आप लोग जानते हैं इंडोमेटेरियम किसे कहते हैं, यूटेरस का जो अंदर का जो दीवार होता है सिर्फ वही बदलता है। मेडिकल में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा यूटेरिन वॉल इफेक्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस का, है ना, इंडोमेट्रियम का दीवार इफेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर में नजी, हम बता रहे थे कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक और चीज देखने को मिलता है सर, ठीक है, इस दौरान हार्मोनल चेंज आता है, या फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी आता है, ठीक है, फीमेल, है ना, आपको ना हार्मोनल चेंज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का चेंज होना, हार्मोन ना आपको चेंज करता है ना, दैट इफेक्ट
फीमेल फीमेल एसएससी, एसएससी का मतलब सेकेंडरी सेक्शन करेक्टर है जी, फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्शन करेक्टर होता है वो भी आपको इफेक्ट होता है इससे, हार्मोनल चेंज से मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने कहा था आपको कि मेस्ट्रो साइकिल जो है ना ये आपको 28 डे का होता है, ठीक है ना, आपको इसका मेस्ट्रो साइकिल को कितना आपको ड्यूरेशन कितना अच्छा होता है, ड्यूरेशन इसका है ना जी आपको 28 डेज होता है, पर ये कोई गारंटी नहीं है सर। तो हम आपको कल भी बताए थे कि मेस्ट्रो साइकिल किससे कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय हार्मोन है ना, हार्मोन ऑफ ब्रेन, कंट्रोल बाय हार्मोन, हार्मोन ऑफ ब्रेन, हार्मोन ऑफ ब्रेन एंड ओवरी, ओवरी के हार्मोन और ब्रेन के हार्मोन होता है। देखिए जिसको हार्मोन चक्र हम नहीं पढ़ा तो उसके लिए हल्का सा हिट देता है कि हार्मोन है ना सर बहुत देर से आता है, मतलब एट ए टाइम चाहिएगा क्या आ जाए वो नहीं होगा है ना, इसको टाइम लगता आने में, जब आता है तो लंबे समय तक रहता है, ठीक है, और एक पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब एक आदत बन जाता है हार्मोन को, इतना से इतना दिन के बीच में ही आएंगे उसके अलावा और कभी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो हार्मोन सब क्या होता है सर, एक स्लो हार्मोन मतलब केमिकल होता है, ठीक है, मतलब आपसे कोई पूछेगा मेस्ट्रो साइकिल किसके कंट्रोल में, हार्मोन के कंट्रोल में, हार्मोन के अबाउट में कुछ बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि सर ये स्लो होता है ना, स्लो होता है ना, लॉन्ग लीव होता है, लॉन्ग लीव होता है एंड सो सो पर्टिकुलर पैटर्न है जी, पर्टिकुलर हैबिट, पर्टिकुलर हैबिट शो करता है जी, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम आपको बताएंगे कैसे पर्टिकुलर हैबिट इसका इस्तेमाल करता है जी, ठीक है। और हमने आपसे कहा था कल है ना जी कि मेस्ट्रो साइकिल जो है ना सर, ठीक है, ये आपको 28 दिन का होता है, मतलब ये मतलब कि आपको बच्चा कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, वो समझ जाता है हर मंथ का पहला तारीख से लेकर के इस मंथ का 28 तारीख तक, ऐसा नहीं है ना जी। अगर किसी भी दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होता है ना, मेस्ट्रो साइकिल क्या देखते हैं, ब्लीडिंग होता है जी, ब्लीडिंग असर है ना जी। अब क्यों होता है यही हम लोग को खोजना पता लगाना है, मेस्ट्रो साइकिल है ना जी आपको है ना, मेस्ट्रो साइकिल आपको है ना आपको स्लो ब्लीडिंग है ना, ये आपको ड्यूरिंग मेस्ट्रो साइकिल, ड्यूरिंग मेस्ट्रो साइकिल है ना ब्लीडिंग अकर्स, इस दौरान ब्लीडिंग होता है ना, ब्लीडिंग अकर्स, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन, कॉल्ड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसको हम लोग नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन के नाम से लाते हैं, या इसी का एक नाम और भी है जो कॉमन भाषा में एड समय आता है पीरियड्स का दिन है ना जी, पीरियड्स जो बोलते हैं ठीक है वो इसी को बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का ही। और जो फर्स्ट डे होता है सर मेंस्ट्रुएशन का, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन है ना जी, ये आपको इंडिकेट करता है, इंडिकेट फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रो साइकिल है ना जी, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रो साइकिल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि अगर आज ना अगर 4 जुलाई है और आज किसी मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है, तो आज से लेकर के 28 दिन तक मतलब लगभग लगभग 1 अगस्त तक क्या होगा है ना, मेंस्ट्रुएशन आपको मतलब 1 अगस्त मतलब एक मेंस्ट्रो साइकिल माना जाएगा, 4 जुलाई है ठीक है, और यहाँ से लेकर के लगभग 1 अगस्त तक है ना जी आपको एक मेंस्ट्रो साइकिल को माना जाएगा जी, ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट मेंस्ट्रो साइकिल मानेंगे और नेक्स्ट मेंस्ट्रो साइकिल आएगा ठीक है अगला 2 अगस्त को जी, ठीक है, मतलब 2 अगस्त को फिर से क्या होगा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा जी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है सर, ओवम बनता है जी, ओवुलेशन होता है ना, ये आपको खास तरह हम जो ओवरी का पिक्चर बनाए थे वो जो पूरा चेंज दिखाए थे, एक खास समय में होता है सर, जिस समय का नाम क्या था आपको है ना मेंस्ट्रो साइकिल, फीमेल में जो मेंस्ट्रो साइकिल चलता है उसी समय ओवरी में भी सर क्या होता है चेंज आता है सर, ओवरी में चेंज आता है तो वो क्या करता है सर ओवम को बाहर निकालता है, ठीक है, ये आपको सेकेंडरी ऊंचाई को ये बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है, ओवरी के अंदर में भी चेंज जो देखते हैं ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है, ठीक है, ओवुलेशन भी कॉज करता है, ये लाइन भी याद रखना हम लोगों को। उसके बाद हमने कहा था कि अगर आपसे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन पूछा तो दो दो डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, एक तो 28 डेज रेगुलर साइक्लिक चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं तो आप दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता था इसको हम लोग क्या नाम देते हैं हम लोग ना जो आपको निकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से आते, देखो ना यहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे खत्म हुआ था, ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहां से शुरू किए वहीं फिर आ गए, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे ना आपको निकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मानेंगे, मतलब द पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन है ना जी, है ना, द पीरियड बिटवीन, पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव, तुम लोग आवाज जा रहा है, आपको हम यहाँ से बता रहे थे क्या आपको द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, दो मेंस्ट्रुएशन के बीच के समय को क्या कहते हैं हम लोग है ना जी मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड है जी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने कल बताया था जो सबसे मेन पार्ट था, पहले उसको समझ लेते हैं,
और फिर उसका भी हम तीनों का डिफरेंस लिख देंगे जी। ये बहुत क्लियर टॉपिक सब है, पांच नंबर ही है बिहार बोर्ड में, और इतना पॉइंट भी बोर्ड पे लिख दोगे ना, मतलब जितना लिखे हम इसके लिए। लेकिन थोड़ा सा और लिखना होगा, मास्टर सेलर टाइप भी तो आपको 5 मार्क्स आप दे सकते हैं सीबीएसई बोर्ड। ओबरी में क्या बताया सर? ओबरी में सर आपको चेंज होता है, ठीक है, मेस्टर साइकिल के दौरान ही जो हमने एक बार फोटोग्राफ बना रहे थे ना, ओबरी में प्राइमरी फॉलिक्यूल था, फिर सेकेंडरी फॉलिक्यूल था, फिर टर्शियरी फॉलिक्यूल था, एंड उसके बाद क्या था आपको ग्राफेन फॉलिक्यूल था, याद आ ना? ये सब जो चेंज देखते हैं ना, ये मेस्टर साइकिल के दौरान ही होता है। कोई भी फीमेल में है ना ओवम जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया आपको है ना मेस्टर साइकिल के दौरान होता है। आपको लड़का दिमाग लगा लिया होगा कि प्राइमरी फॉलिक्यूल से कॉर्पस एल्बिकम तक आने में 28 दिन का समय लगता है। हम कहते हैं ना जिस दिन आपको ओवरी के अंदर में कॉर्पस छूटे मरता है, उस दिन उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्पस एल्बिकम के नाम सुनाते हैं। तो कॉर्पस यानी पीएफ से कॉर्पस एल्बिकम तक आने में, एल्बिकम तक आने में सर कितना समय का समय लगता है, 28 डेज का समय लगता है। देखो ना, फीमेल के बॉडी में मेस्टर साइकिल चला तो ओवरी के अंदर में ओवेरियन साइकिल भी चलता है, ठीक है, जिस दौरान एक ओवम बन करके तैयार होगा, ओवम नहीं सेकेंडरी ओसाइट बन करके तैयार होगा, ठीक है। तो ओवरी के अंदर में जो चेंज होता है ना, वो मेस्टर साइकिल के दौरान ही देखने को मिलता है, ये चेंज ओवुलेशन काउज करता है, ठीक है। साथ साथ हार्मोन सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है सर, सेकेंडरी ओसाइट। हाँ हाँ हाँ, नहीं बताया सर, ये मेस्टोसाइकिल सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होता है। हमने कहा था मेस्टोसाइकिल का जो 28 दिन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 दिन माना गया, 28 दिन में से 14th डे के दिन क्या होता है सर, आपको ओवुलेशन होता है, ठीक है। ओवुलेशन मतलब क्या, ओवम का बाहर आना या सेकेंडरी ओसाइट का बाहर आना, एक्चुअली जो सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है, ठीक है। हमने आपको कहा था ना कल मेस्ट्रो साइकिल अगर 28 दिन का होता है, 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक होता है, उसमें जो 14th डे होगा, ठीक है, अगर इस तरह से चला जाए 18 जुलाई को क्या होगा सर, ओवुलेशन होगा, है ना जी। अगर ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए 18 जुलाई को क्या होगा सर, आपको ओवुलेशन होगा शार्प, इसी दिन ओवुलेशन होगा। या हो सकता है इसके आस पास सुनने की 15 तारीख तक, पता नहीं कि 18 के अंदर 19 एक दो दिन के अंदर में अपनी थी, मतलब 18 से 19 जुलाई के बीच में क्या होगा, ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था मेस्ट्रो साइकिल को हम लोगों ने है ना इवेंट के आधार में 3 हिस्सों में बांटा था, है ना जी। कल हम बता रहे थे आपको मेस्ट्रो साइकिल को इवेंट के आधार पे देखा जाए कि 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला इवेंट का नाम क्या था सर आपको, मेंस्ट्रुएशन। पहला इवेंट का नाम क्या था आपको, मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद दूसरा इवेंट है जिसका नाम क्या था आपको, फॉलिकुलर फेज। कल ये छूट रहा था हमसे। और उसके बाद इसी का दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, है ना जी, प्रोलिफरेटिव फेज भी उसको हम लोग बुलाते हैं। इस सब याद रखेगा, इस सब पूछता है मेडिकल में। उसके बाद एक था सिक्रेटरी फेज, है ना, या इसी का नाम क्या आपको, लिटुअल फेज भी हम लोग इसको बुलाते हैं, ठीक है, लिटुअल फेज के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। 3 फेज में इसका बटा होता है जी मेस्ट्रो साइकिल, ठीक है। मेस्ट्रो साइकिल जो देखते थे है ना, 1st से 5 डे तक, है ना जी, 1 से लेकर 5 दिन तक, मतलब मेस्ट्रो साइकिल का पहला दिन से लेकर के 5वां दिन तक, है ना जी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक को हम लोग क्या नाम देते हैं, 14 तारीख से ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, मतलब डे वाइज, ना जी, आपको डे वाइज देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा सर, आपको फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। 15th डे से लेकर के 28th डे तक, है ना, ये आपको क्या कहलाएगा सर, आपको सेक्रेटरी फेज कहलाएगा जी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 2018 में यही मैथ्स का कॉलम टाइप का क्वेश्चन पूछा था, कौन सा टाइम कितना समय का होता है, मतलब ये याद रखना। सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है, सिक्रेटरी फेज लेता है, इस दौरान क्या देखने को मिलता है सब जानेंगे हम लोग, और फॉलिकुलर फेज भी है, उसके बाद आपको क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज भी है, ठीक है। और नॉर्मली ऐसा होता है जी, ठीक है, और कोई फीमेल में कोई डिमेरिट है या उसमें कुछ गड़बड़ी होगा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि सर 28 दिन का मेस्ट्रो साइकिल का हो, है ना, किसी किसी में 35 डेज भी हो सकता है, किसी किसी बीच में ही क्या रुक सकता है जी, ठीक है, मतलब बीच में चल रहा था और कुछ हेल्थ खराब होने के कारण क्या सकता है, बीच में भी रुक सकता है, ठीक है। इस केस में उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो कल हम आपको यही सब बता रहे थे जी, ठीक है, और कल हम कहे थे कि इसी चीज को ना हम लोग क्या करते हैं, एक साइकिल बना के हम लोग इसको, हम लोग कहते ना साइकिल है तो जहां से शुरू किया हम वहीं पे ला करके इसको खत्म कर देते, हम एक सर्किल बना करके उसमें हम बताना चाहते हैं कहां पे मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है और सिक्रेटरी फेज में क्या, फुल्ली कॉम्पिटिशन लेवल पे जैसे समझिए। और हमने आपको कहा था कल का क्लास जो है ना, एक बेसिक क्लास हम बोल दिए थे कि फीमेल में 2 हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन का नाम क्या आपको एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, म्यूकस बनाना होता है। अगर फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलने लगा ओवरी से, हार्मोन है ये, ठीक है, तो ये क्या करता है सर, म्यूकस सिक्रेशन कराता है, म्यूकस का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है।
और भी बहुत कुछ करता है, लेकिन मेन काम ये भी है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो निकलता है सर, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इसका काम क्या होता है सर, आपको ब्लड सप्लाई को बढ़ाना होता है, ठीक है, ब्लड ब्लड सप्लाई को बढ़ाना होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना जी, ब्लड सप्लाई, देखो बहुत बच्चा कंफ्यूज इस बात का होता है, ब्लड फॉर्मेशन नहीं करता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है जी, ठीक है, सबका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, देखते हैं। एक मिनट रुकना, टाइम है ना, स्टार्ट करते हैं, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ सर आवाज आ रहा है सर, हाँ बोलो ना। फर्स्ट टाइम के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग नहीं ना होता होगा? नहीं होता है, होता है, होता है सर। उस टाइम तो कॉर्पस लूटियम तो बनता ही नहीं है, मतलब ओवेरियन साइकिल तो पूरा हुआ ही नहीं, तो कॉर्पस लूटियम बना ही नहीं, तो बताएंगे। आवाज आ रहा है, एक बार फिर से बोलो तो कोई। हाँ सर आवाज आ रहा है। हाँ ठीक ठीक तो देखिए इसी को हम लोग फिर से इसको देखते हैं, आप इसको आप एक सर्किल के तौर पे बना करके समझते हैं कौन से टाइम में कौन सा इवेंट चलता है जी, ठीक है। देखिए हमने कल बताया था कि मिस्टर साइकिल को एक झटके में समझने के लिए हम लोग इसको पूरा एक ही जगह पे थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है, हम एक साइकिल बोल रहे हैं सर, एक मतलब क्या, जहां से शुरू कीजिएगा वहीं पे लाके इसको मिला दीजिएगा जी, ठीक है। कल हमने कहा था कि इसको जोन वाइज बांट दो, सबसे कम जोन किसका होता है, एक से लेकर पांच दिन का जोन, ये होता है सर आपको, ये होता है मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है जी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है ये, या इसी का एक और नाम क्या है सर आपको, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, इसका एक नाम और क्या है सर आपको, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद दूसरा फेज क्या होता है ना, जिसका नाम क्या है सर आपको, ना जी प्रोलिफिरेटिव फेज, है ना जी प्रोलिफिरेटिव फेज होता है ना, और इसी को हम लोग एक और नाम दिए हुए थे फॉलिकुलर फेज, है ना, जिसका नाम क्या है सर आपको, फॉलिकुलर फेज होता है, और आपको सबसे लास्ट जो तीसरा फेज है सेक्रेटरी फेज है, सेक्रेटरी फेज होता है, और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में और क्या बुलाते हैं, लिटुअल फेज के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, लिटुअल फेज के नाम से भी इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। तीन हिस्से में बटा हुआ है, टाइमिंग हम बता चुके हैं इसमें 6 डे से लेकर के 14 डे तक होता है ये टाइमिंग, है ना, उसके बाद 15th डे से लेकर के, है ना, आपको 28th डे तक, है ना, 28वां दिन तक क्या होता है सर आपको ये, है ना, सेक्रेटरी फेज दिखाई देता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कहा था क्या, जब इसको गौर करते हैं सर, ठीक है, तो हमने आपको कही थी कहीं से शुरू कीजिए आप, है ना, उसके बाद वहीं पे ले आएंगे, तो मतलब क्या कहलाएगा,
मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा जी। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहीं से भी शुरू कर रहे हैं जी, उसके बाद से वहीं पे लाकर जोड़ देंगे, इसका मतलब पॉइंट पूरा हो जाएगा जी। ठीक है, हमको बस एक बेसिक और बोलना है, ठीक है, जो दो 10 बजे में नहीं आए थे उसके लिए। ठीक है, कि देखिए कुछ भी होता है ना, हार्मोन के कंट्रोल में होता है, और LHSSH नाम का हार्मोन होता है जो ब्रेन से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, LHSSH, है ना जी। ब्रेन ही सब कुछ को कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी ब्रेन कंट्रोल करता है बाय आपको अडॉप्टिंग द केमिकल मेथड, है ना, हार्मोन मेथड का इस्तेमाल करके ब्रेन, है ना, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करता है जी। ठीक है, और हार्मोन में हाइपोथैलेमस सबसे पहले आता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है जहां से हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलता है, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नहीं कंट्रोल करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में ही पाया जाता है और उसको धक्का देता है। ठीक है, अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड जाता है टारगेट ऑर्गन के पास, हमने कहा था ना कल कि किसी भी स्कूल में एक बड़ा सा आपको इवेंट होना है, एचओडी कभी कुछ नहीं करता, वो प्रिंसिपल को बोलता है, और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करता है, वो आपको वहां क्लास टीचर या स्टाफ को बोलता है कि भाई तुम लोगों को ये काम करना है, और स्टाफ उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ना, केमिकल कम्युनिकेशन होता है, वो आपको हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बेसिक बोल दिए हम। अब मान लेते हैं सर मेंस्ट्रुएशन के दौरान कुछ घटनाएं घटती हैं, हम इसको फिर जोड़ देंगे जी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि मेनार्च के दौरान क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्च कहते हैं, उस दौरान ब्लीडिंग होता है या नहीं होता है ये भी आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, बट अभी ये देखिए नॉर्मली कोई फीमेल में है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है सर। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, इस दौरान ब्लीडिंग अकर होता है सर। ठीक है, 1 से 5 दिन के दौरान ब्लीडिंग होने को देखता है, और ब्लीडिंग एकाएक नहीं होता सर, थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग बॉडी से बाहर निकलता है, ब्लड बाहर है, ब्लीडिंग अकर जी, इस दौरान ब्लीडिंग अकर्स होता है ना, और पूरे 5 दिन के दौरान लगभग लगभग 30 से 40 ml तक ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है, 30 to 40 ml ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, ब्लड लॉस होता है, और ये ब्लड लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ये पॉइंट सब है, आप सबसे यही पॉइंट मेडिकल में पूछे कौन से समय में क्या था आपको चेंज देखने को मिलता है, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ वॉल ऑफ इंडोमेटेरियम मेन है ना, इसके टूटने की वजह से ऐसा होता है, कल हम बताए थे इंडोमेटेरियम का वॉल इसलिए टूट जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई घट जाता है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ है ना, आपको ब्लड सप्लाई इन टिश्यू ऑफ ब्लड सप्लाई सप्लाई इन द टिश्यू ऑफ इन द टिश्यू ऑफ इंडोमेटेरियम अभी बातों को लिख रहे हैं, फिर बाद में इसको जोड़ देंगे हम पूरा आपको यहाँ जैसे पहुंचेंगे। इसी दौरान क्या देखते हैं सर, कॉर्पस ल्यूटियम भी जनरेट कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन है सर, देखेंगे सर हम लोग, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है, इस दौरान डीजेनरेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या सर इसमें, कि सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट जाता है सर, ये सब कोई बताया जाएगा अभी, बस मान लो कि सर इस दौरान प्रोजेस्टेरोन नहीं रहता है, जीरो पे चला जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहता है सर, कम हो जाता है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना जी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान पिछले महीने का जो ओवम रहता है सर, देखिए ओवम का साइज बड़ा होता है, और ओवम पे है ना जूना कलेशुदा का लेयर रहता है, WBCs को नहीं खा पाता है। ठीक है, हम कहे थे कि मान लीजिए किसी फीमेल में आपको जून के मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चला होगा और उसका कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं होगा, तो पिछले महीने में जो ओवम रिलीज हुआ होगा ना, वो ओवम है ना फैलोपियन ट्यूब में कहीं पे गिरा हुआ या कहीं पे मरा पड़ा होगा जी। ठीक है, ओवम का लाइफ स्पैन फीमेल के ओविडक्ट में मात्र 24 से 48 घंटा होता है, मात्र 24 से 48 घंटा ओवम सर्वाइव करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, और उस दौरान सर क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो वहीं पे आपको क्या होता है, दम तोड़ देता है। ठीक है, इससे WBCs खा जाता है ना, हम जानते हैं एक्स्ट्रा सेल हुआ या बेकार सेल हुआ या डेड सेल हुआ, WBCs को इंगल्फ कर लेता है, लेकिन इस ओवम को नहीं खा सकता है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पहला बात, और दूसरा बात हम बताए थे कि सेकेंडरी ऊसाइज के चारों तरफ जोना पेलिसुडा का लेयर होता है, एक ए प्रोटीनियस सॉरी ए सेलुलर लेयर होता है, ये ए सेलुलर लेयर WBCs को बचाता है सर। ठीक है, तो फिर होगा क्या इसका आगे, तो आगे सर जो है ना सर, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इस सबको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, है ना जी, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर आ जाता है जी। ठीक है, है ना, आपको है ना रिलीजिंग ऑफ डेड ओवम साबित करेंगे बाद में, रिलीजिंग ऑफ डेड ओवम है ना अलोंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, दिख रहा है जी बोर्ड, अलोंग मेंस्ट्रुअल फ्लो
menstrual flow of last एमसीक्यू लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं भी आपको ओवम क्या बाहर आ जाता है। इससे आप लोगों को ये भी जानना होगा कि ओवम को नहीं खाया जाता डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ओवम का लाइफ स्पैन है ना जी इन आपको फिलोपियन ट्यूब है ना जी, फिलोपियन ट्यूब में कितना होता है, फिलोपियन ट्यूब में है ना 24 से 48 घंटा का होता है ठीक है, 24 to 48 आवर का होता है। अगर इस दौरान स्पर्म आके फर्टिलाइज किया तो ठीक, नहीं तो नहीं आपको कभी भी मां बन पाएगी ठीक है। हमारे कोई फीमेल इसका कोई मेल पार्टनर नहीं है, उसमें से हर मंथ में जो ओवम बनता होगा ओवम क्यों सेकेंडरी ओसाइट ना, सेकेंडरी ओसाइट जो बनता होगा है ना जी, यह ध्यान रखिएगा आप लोग है ना, ये आदत बदलना होगा हम लोगों को, लेकिन ओवम नहीं है सेकेंडरी ओसाइट है जी ठीक है। ये सेकेंडरी ओसाइट 24 से 48 घंटा में क्या आ जाता है सर आपके, ये मर जाता है जी। मरने के बाद है ना वो इंतजार करता रहता है नेक्स्ट मंथ के मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और नेक्स्ट मंथ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसी रास्ते से इसको बाहर कर दिया जाएगा जी ठीक है। अब आइए आपको यहाँ तक इस दौरान हुआ, हमने कल ही बताया था इस दौरान जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ब्लीडिंग होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है जी। आपको ये भी पूछेगा ना मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ब्लीडिंग होता है ठीक है ना जी, आपको ब्लड जो होता है सर आपको इन लिक्विड स्टेट में होता है ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। अब इसके भी पीछे कोई कारण होगा लिक्विड स्टेट में ही क्यों रहा है ना, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं बदलता है जी ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग है ना सर आपको कभी भी है ना क्लॉट नहीं करता है ठीक है, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये सारी घटनाएं घट रही होती है सर कहाँ पे आपको है ना मेंस्ट्रुएशन, ये सब कॉम्पिटिशन लेवल पे है जी ठीक है। आपको जब बोर्ड के लेवल का लिखवाना होगा हम नोट्स में आपको लिखवाए हैं इस सब बात को ठीक है, जब देंगे बोर्ड का टाइम नजदीक आएगा तब है ना जी। मेंस्ट्रुएशन जो देखते हैं इसी को मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, और इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग सर, इस दौरान है ना आपको यानी कि 30 से 40 में ब्लड लॉस होता है ना ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम, इसमें इंडोमेट्रियम की दीवार के टूटने से ये ब्लड निकल रहा होता है। कल हम बताए थे लॉजिक की जैसे टिश्यू कटेगा तो ब्लड का पाइप भी कटता है, जो भी ब्लड आता है वो भी बॉडी से बाहर निकलने लगता है जी ठीक है। ये एक तरह का कंडीशन है जिसमें फीमेल कमजोर होने लगती है क्योंकि उसमें ब्लड का लॉस हो रहा होता है जी ठीक है, और दिस ब्रेक डाउन है ना ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है ना इन ए टिश्यू ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम की दीवार में ना जी आपको निकी है ना आपको ब्लड का सप्लाई घट गया। इस वजह क्यों घट गया, क्योंकि सर कॉर्पस ल्यूटम है, कॉर्पस ल्यूटम क्यों है जो इसको कम कंट्रोल कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता वो घट जाता है। अभी क्या है हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो देखते फर्दर में। और एक बात और भी है कि पिछले महीने का जो ओभम था, ओभम नहीं सेकेंडरी ओसाइट है ना जी, सेकेंडरी ओसाइट था वो भी क्या हो जाता है सर आपको बॉडी से बाहर निकल जाता है जी ठीक है। इतना बात होता रहता है 5 दिनों के दौरान है ना जी, ये बहुत ज्यादा इंटेंस पीरियड होता है फीमेल बॉडी के लिए ठीक है। ये उस टाइम में ये आपको बहुत सारा परेशानी रहता है क्योंकि बॉडी से ब्लड निकल आता है ना जी, इस तरह से है ना जी। आइए नया टॉपिक पे, 6th दिन जो आता है सेमेस्टर साइकिल का, सब ब्रेन एक्टिवेट होता है। देखिए ब्रेन पहले दिन से एक्टिवेट नहीं हुआ, ब्रेन बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, ब्रेन को एक्टिवेट होने में सब 6 दिन का समय लग गया, मतलब 5 दिन तक ब्लड निकला ही निकला ना जी, 6th दिन ब्रेन आया मैटर में। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बॉडी से ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए जिससे बॉडी कमजोर होने लगेगा। ब्रेन क्या करता है ना, ब्रेन से हाइपोथैलेमस से है ना, ब्रेन के हाइपो 6th दिन में आ गया मतलब प्रोलिफरेटिव या फॉलिकल, ब्रेन में एक जगह होता है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस पिन चेंज कर देते, कलर पिन का इस्तेमाल करते हैं जी, इसमें जो आपको 6th दिन जो चलता है सर ठीक है, जिसमें आपको ब्रेन से है ना जी, ब्रेन से आपको हाइपोथैलेमस से ब्रेन में क्या देखते हैं सर आपको, हाइपोथैलेमस होता है, हम आपको पढ़ाएं इसके बाद। हाइपोथैलेमस जो देखते हैं ना जी, थैलेमस, इस दौरान से यहाँ से क्या निकलता है सर, एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या सर आपको, GnRH, उस हार्मोन का नाम क्या सर आपको, GnRH। ये हार्मोन क्या करता है सर है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो फीमेल में निकलता है सर। ये हार्मोन क्या करता है सर आपको है ना, दो हिस्सों में आपको सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देता है सर। ये किसको धक्का देता है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सर एक हार्मोन निकलता है, जान उसका मैल उसने लिख रहे हैं हम, इसका नाम लिखे गोनाडोट्रोपिन है ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है सर, गोनाडोट्रोपिन। क्वेश्चन पूछेंगे और आज खत्म हुआ क्लास को ना जी, आपको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है सर। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन किसके धक्का देने से निकालता है आपको, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब फुल फॉर्म रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम है गोनाडोट्रोपिन है, दोनों अंतर है जी। इसका फुल फॉर्म को पूछोगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना जी, RH का फुल फॉर्म लिख देते हैं, GN या लिख ही देते पूरा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा गोनाडो, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना जी, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ठीक है। इसमें एच का होता है हार्मोन है ना जी, ये ब्रेन से निकलता है, ये हार्मोन इसलिए निकलता है ताकि इसको मेंस्ट्रुएशन को रोका जा सके है ना जी। पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोपिन निकालता है, गोनाडोट्रोपिन है ना दो हार्मोन को मिला के कहते हैं सर, LH और SSH नाम के हार्मोन को एक साथ मिला के कहते हैं हम लोग है ना जी आपको,
गोनाडोट्रोपिन है जी, ये दोनों को हार्मोन को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बन जाता है जी। ठीक है, LH का फुल फॉर्म आप जानते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म जानते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जी। दोनों अलग अलग जगह पे काम करता है, इस दोनों का अलग अलग मकसद से निकलता है। ये LH का अलग मकसद होता है, FSH का एक अलग ही मकसद होता है जी। ठीक है, ये दोनों हार्मोन निकल रहा है ब्रेन से, ब्रेन में कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम लोग के ब्रेन में ही होता है, अंदर की तरफ होता है। और सर ये जो हार्मोन निकलता है ना सर, ठीक है, ये हार्मोन जाता किस पे, ओवरी पे काम करता है। मतलब तो इस टाइम में अगर हम देखें सर, इस दौरान ओवरी पे जाकर के LH FSH काम करता है जी। ठीक है, और इस दौरान हम इंडोमेट्रियम को देखेंगे सर। अभी मान लीजिए 6 तारीख के डेट पे, 6 तारीख में इंडोमेट्रियम पूरा टूटा फूटा है, इस तरह से टूटा फूटा हुआ है इंडोमेट्रियम का लाइनिंग। हम आपको बताए थे कल, आपको यूटेरस का जो पिक्चर हम लोग बनाए थे यहाँ पे, कल हमने कहा था कि जब यूटेरस जो देखते सर, ठीक है, ऐसे था ना, यूटेरस में इंडोमेट्रियम का दीवार था ऐसे करके। ये इंडोमेट्रियम की दीवार में सर क्या था, आपको ब्लड सप्लाई था जी। ठीक है, ये जो आपको देख रहे थे इंडोमेट्रियम का दीवार, इसमें हम लोगों ने आपको ब्लड सप्लाई सब देखा था जी। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई जो देख रहे सर, यहाँ पे खून का पाइप इस तरह से सब टूट टाट गया सर, ऐसे करके टूटा हुआ है ना जी। ये टूटने से जो भी ब्लड आ रहा है सब जा रहा है बाहर की ओर ना जी। इस ब्लड को सर रोकने के लिए ना जी, आपको 6 तारीख, मतलब ये सब ब्लड कटा पाइप सब है ऐसे इंडोमेट्रियम का दीवार। 6 तारीख के डेट से क्या होता है सर, आपको LH FSH नाम का टाइम है जी, टाइम आउट हो गया। हेलो, एक मिनट है। हाँ चलो जल्दी से, चलो बोला भी नहीं, कट करके ज्वाइन करो, कट करके ज्वाइन करो। तो एक मिनट बस, लगता है मेहताब गायब है। स्टार्ट करते हैं, आगे यहाँ पे आप बता रहे थे क्या, आपको इस टॉपिक पे थे हम लोग जिसमें हमने बताया था क्या, ब्रेन में जब 6 तारीख का डेट जब आता है, मतलब बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 तारीख का डेट होता है, उस दौरान क्या देखते हैं हम लोग। ठीक है, उस दौरान है ना, आपको LH FSH हार्मोन ब्रेन निकालता है और ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से निकालता है। ये LH FSH क्या होता है ना, आपको यहाँ पे जाता है प्राइमरी फॉलिकल के पास जाता है। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, प्राइमरी फॉलिकल, बड़ा कर देते फोटोग्राफ जी। ये ओवरी है, ये ओवरी से क्या होता है सर, आपको प्राइमरी फॉलिकल, ये जो देख रहे हैं ये प्राइमरी फॉलिकल है। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर सेल को क्या करता है, धक्का देता है और फॉलिकुलर सेल को डिवाइड करने के लिए कहता है कि भाई अपना आबादी बढ़ाइए, माइटोसिस डिवीजन करके अपने नंबर्स को बढ़ाइए जी। ठीक है, जो नंबर पहले था उससे थोड़ा डबल हो जाइए या ट्रिपल हो जाइए ऐसे करके। और ये जब डबल ट्रिपल हो जाता है तो फॉलिकुलर सेल को बढ़ाया ये, याद कीजिए जो हम कहे थे किनारे वाला जो सेल देखते, किनारे वाला सेल, उसका नाम है थीका एक्सटर्ना। उसका नाम क्या था आपको, थीका एक्सटर्ना। इस थीका एक्सटर्ना से सर क्या करता है सर, आपको आपको एस्ट्रोजन हार्मोन निकलवाता है LH। LH का काम क्या है, ब्लैक लाइनिंग जो है, और जिसका नाम थीका एक्सटर्ना है, उससे क्या निकालता है आपको, एस्ट्रोजन हार्मोन है ना जी। ये आपको हार्मोन निकालता है जिसका नाम क्या, आपको एस्ट्रोजन है ना जी। और जो आपको अंदर में देख रहे सेल सब जो है, ठीक है, मतलब वो ग्रो कर रहा है, प्राइमरी उस साइड सब है अंदर में जी। ठीक है, तो जब आपको ये काम करता है सर ब्रेन, तो 6 तारीख मतलब पहले दिन क्या होता है सर, आपको 6 तारीख के डेट में सर है ना, ये आपको एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस से जाता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ था, ओवरी, यहाँ पे था, बगल में ओवरी था, यहाँ से निकला, ब्लड के जरिए यूटेरस के पास पहुंचा। यहाँ के आसपास के सेल को कहता है कि भाई म्यूकस निकालिए और म्यूकस से पूरा कोटिंग कर दीजिए इसको। अब म्यूकस से कोटिंग हो जाएगा, जो भी ब्लड रिलीज हो रहा था वो सब रिलीज होना बंद हो जाएगा जी। फैलोपियन ट्यूब पे भी कोटिंग लगा देता है, सब जगह कोटिंग लगा देता है जी। ठीक है, ताकि जहां जहां से ब्लड लॉस होने की संभावना है वो ब्लड लॉस होने की संभावना रुक जाएगी। ठीक है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है सर। इस दौरान सबसे बड़ा बात क्या है, ब्लीडिंग स्टॉप है ना जी। ब्लीडिंग क्या होता है,
स्टॉप हो जाता है ना जी, ड्यू टू आपको ड्यू टू है ना प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ये किसके वजह से होता है, ये प्रेजेंस ऑफ म्यूकस की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है, बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। सिर्फ अभी एस्ट्रोजन हार्मोन ही निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। अब देखो ब्रेन को ना थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ और मानसिकता चलता है, ब्रेन सोचता है क्या, फ्यूचर प्लानिंग करता है एक तरह से, फ्यूचर सोचता है क्या कि सर यही वो जगह यूटेरस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चा माँ के दीवार से चिपकेगा जी, ठीक है। एक बार याद कीजिए आप लोग, यहाँ ब्रेन एक स्ट्रैटेजी बनाता है, वो स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म में, जैसे आप लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कुछ है और फिर उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालते हैं कि बाद में कभी ऐसा प्रॉब्लम होना है, ठीक है जी। तो ब्रेन सोचता है क्या कि इंडोमेट्रियम की दीवार को तो ठीक कर, मतलब मलहम लग गया एक तरह से ना, उस पर क्या हुआ कोटिंग लग गया, लेकिन आप ये ब्रेन सोचता है कि नहीं इंडोमेट्रियम की दीवार को बड़ा कर देते हैं, जितना ज्यादा बड़ा रहेगा जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, बच्चा आराम से माँ की दीवार से चिपक जाएगा। हम लोग को पता है इंडोमेट्रियम दीवार वो दीवार होता है जहां से बच्चा माँ की दीवार से अटैच होता है, ठीक है। तो ब्रेन आप ये सोचता है कि क्यों ना है ना इंडोमेट्रियम दीवार को बढ़ाया जाए, मतलब उसका साइज को इंक्रीज किया जाए, जो छोटा छोटा साइज है उसको हम लोग यहां तक ले जाए, ठीक है जी, और इस तरह से, ठीक है, मतलब इंडोमेट्रियम दीवार इतना छोटा है तो उसको इतना बड़ा ले जाया जाए, ठीक है, और इतना बड़ा ले जाया जाए, ठीक है जी। आप इसके लिए काम हुआ जाए, मान लीजिए अब देखिए बहुत सारे टीचर का भी लक्षण होता है, ठीक है, बच्चा कितना पढ़ के दे देगा, टीचर मान में नहीं करेगा कि तू पढ़ता है, ठीक है, समझे ना जी हम क्या बोलना चाहें। और पॉइंट क्या है सर आपको यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है, अच्छे तरह बच्चा को तुम कहो तो पढ़ने के लिए तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़े, समझे ना, कितनों टीचर मारते रह जाए उसको, पीटते रह जाए, घुरा दे, ठीक है, वो बच्चा जो थिएटर है वो थिएटर थिएटर ही रह जाता है ना जी, ठीक है, मतलब नालायक बच्चा को कह दिया कि पढ़ के दो तो कभी जिंदगी में देगा, वो तो कहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अब जो हो, समझा रहा जी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सुन लिया ना, जिसको बोले वो सुन लिया है ना, तो हम तो है लगता है, हम बोले थे क्या आपको कि हम बता रहे थे आप लोगों क्या यहाँ पे, ठीक है, कि एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकल रहा है, वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो देखते हैं सर, ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है सर, आपको इंडोमेट्रियम की दीवार को ठीक कर दिया। अब ब्रेन इसी से उम्मीद लगा लेता है, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से उम्मीद लगा लेता है कि भाई तू ही इंडोमेट्रियम की दीवार को बढ़ा कर दो, है ना जी, और तुम ही इसको देखो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि माने हम यहाँ इसका फोटोग्राफ यहाँ बना रहे हैं जी, ठीक है, देखो ये इंडोमेट्रियम दीवार टूटा फूटा था, इस टूटे फूटे इंडोमेट्रियम की दीवार को कोटिंग कर दिया ये कौन एस्ट्रोजन। अब देखिए कोटिंग होगा तो ब्लड सप्लाई का आपने ना लॉस होगा, पहले ब्लड लॉस हो रहा था ना, अब जो भी ब्लड है अंदर रह रहा है, अब अंदर रह रहा है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना सर, मतलब खाना पीना मिलेगा अब इसको सेल को, अच्छा वक्त खाना पीना मिले तो आज ये देख रहे हो 6 तारीख के दिन में, तो 8 तारीख की डेट में क्या हो जाएगा सर आपको, 8 तारीख में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, अच्छा से बड़ा हो जाए, ब्रेन ना खुश रहेगा भाई इतना नहीं हमको और चाहिए और, है जी, मतलब ब्रेन करा नहीं इतना से नहीं काम चलेगा और दो, एस्ट्रोजन बोला भाई हम ब्लड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ म्यूकस को कोटिंग किए हैं, हम म्यूकस से म्यूकस को ज्यादा ज्यादा म्यूकस को कोटिंग करें, वो और ज्यादा म्यूकस को कोटिंग कर देगा, पर सर वो कभी भी टिश्यू मतलब इमेजिनेशन देखिए ना, हम कहना चाहे टिश्यू में ब्लड लॉस होना रुक गया तो कुछ तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, टिश्यू का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका डिमांड है, आपका डिमांड नहीं बहुत ज्यादा ट्रिपल चौगुना बड़ा हो जाए तो सो तो नहीं करके देगा ना, ठीक है, ई तो कोई ब्लड सप्लाई नहीं ना बढ़ा रहा है, खाना नहीं पहुंचा रहा है, ये बस कर रहा है जो लीकेज है उसको रोक रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बांध है, अब बांध में बहुत सारा आपको पानी भरा हुआ है सर, ठीक है, अब कहीं से दरार है उससे लीकेज हो रहा है, तो एक इंजीनियर जो लीकेज को भर रहा है, ठीक है, वो बांध के हाइट को नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है, बांध के हाइट को बढ़ाने के लिए कोई और आएगा ना जी, ठीक है, कोई और इंजीनियर होगा ना जो उसका हाइट को बढ़ाने का आर्किटेक्चर करेगा, सेम वही बात यहाँ पे भी है, इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है इस पे ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बना देगा, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बन जाएगा तो ब्लड का सप्लाई जो होगा सर, ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत क्या होगा सर, आपको नहीं कि आपको इसको सेल को मिलने लगेगा, सेल को मिलेगा हल्का फल्का ग्रो करेगा सर, मतलब जितना विश कर रहा था इंडोमेट्रियम बढ़ने का उतना विश पूरा नहीं हो पाएगा ब्रेन के साथ, सब कुछ तो ब्रेन ही कराता है, ब्रेन देख रहा है भाई एस्ट्रोजन को हम बोले पूरा बढ़ा दो, एकदम तिगुना चौगुना बढ़ा दो, ये थोड़ा सा बढ़ा रहा है, मतलब हल्का सा हाइट बढ़ा करके ऐसे ला रहा है, ठीक है, तो ब्रेन उसे और डोज देगा ऊपर से और मारते हैं इसको, ठीक है, मतलब ऊपर से क्या करेगा फिर से LHFSH निकलवाना शुरू करेगा, ठीक है, दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाहें, कहें एक स्टूडेंट से ज्यादा डिमांड कर लिया हम, ठीक है, और उस स्टूडेंट को ना पूरा नहीं कर पाता, फिर पिटना शुरू कर दिया उसको हम, ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है कि ब्रेन लग रहा है कि ब्रेन को लगता है क्या हम जितना बोले वो कर नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और इसको हम कहीं टॉर्चर कर दे कहीं कर दे, है ना जी, तो अगला स्टेप में मतलब अगले दिन क्या होगा, 6 तारीख के बाद कितना 8 तारीख आएगा ना, 8 तारीख या 9 तारीख के आसपास में क्या होगा LHFSH थोड़ा और ज्यादा निकल के आएगा जी, मतलब एक थोड़ा सा निकल गया और ज्यादा, तो सर इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, ठीक है, इमेजिन कर रहे हो कि क्या बोलना चाहे, भाई पहला दिन इतना टॉर्चर किया 1% से टॉर्चर किया, अब अगला दिन 4% से टॉर्चर कर रहा है LHFSH, है ना जी, तो इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा, याद कीजिए आप लोग जब इसका साइज और बढ़ेगा तो इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, टर्शियरी फॉलिकल,
टर्शियरी पॉलीक्यूल नहीं, सेल सबसे जो चोट लगे सेल सबसे लिक्विड आता है, वो लिक्विड का नाम क्या है, एंट्रम। एंट्रम क्या करता है, शॉक एंड जर्क से बचाता है ना इसके ओवम को, सेकेंडरी ओसाइट को। हम यहीं पे लिखे थे मियोसिस फर्स्ट कर लेता है, जब यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होता है मियोसिस फर्स्ट, आई जो बनता है इसका नाम क्या होता है सर आपको, सेकेंडरी ओसाइट। कुछ जा रहा जी, बहुत सर क्या कि समझा पा रहे हैं हम, ठीक है जब बोलिएगा आप लोग, है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रेन ना खुश है, ब्रेन कह रहा है कि हम भाई हमको इंडोमेट्रियम का दीवार बड़ा करना है, तुमने एक काम कर दिया जो ब्लड सप्लाई जो था मतलब ब्लड लॉस हो रहा था उसको रुकवा दिए, ब्लड लॉस होने के बाद आप इंडोमेट्रियम का साइज भी बड़ा कर दो ताकि भविष्य में जब बच्चा मां की दीवार से चिपकने की कोशिश करेगा तो उसको ज्यादा कॉन्टैक्ट मिलेगा, ज्यादा अच्छे से चिपक पाएगा जी, ठीक है। पर मुद्दा ये है इंडोमेट्रियम बोलता ना हमसे नहीं होगा, हम तो म्यूकस निकाल के देंगे, म्यूकस से ज्यादा मतलब काम ही नहीं। अब ये तो तुम समझ नहीं रहा ब्रेन, है ना जी, ब्रेन तो कहना नहीं बच्चा है मेडिकल निकालने वाला, निकाल के देगा, है ना जी। तो उसको क्या करता है सर आपको LHFSS खूब और मारना शुरू करता है जी, ठीक है। ऊपर से आ रहा है LHFSS का फिर से डोज, LHFSS का डोज आएगा तो सर इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ आप तुम जानते हो सेकेंडरी पॉलिक्यूल से क्या बन गया टर्शियरी पॉलिक्यूल, टर्शियरी पॉलिक्यूल बना तो कॉमन सेंस लगा ज्यादा आपको साइज बढ़ा होगा ना। अब ज्यादा साइज बढ़ा तो ज्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा, अब ज्यादा एस्ट्रोजन निकला तो फायदा क्या हुआ सर, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। एस्ट्रोजन निकला तो कह लो और म्यूकस बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। साइज ना फिर ब्रेन गुस्सा आ जाएगा, फिर हम कह रहे हैं उनको साइज बढ़ाने के लिए ये कर रहा है, खाली म्यूकस बना रहा है, म्यूकस से ना फायदा होगा जी, ठीक है। समझा रहा ना हम क्या बोला चाह रहे हैं, तो ब्रेन क्या और ज्यादा LHFSS निकलवा देता है, तो और ज्यादा LHFSS निकलेगा मतलब अब 12-13 तारीख का डेट है, समझ रहा है जी साजिब क्या बोल रहे हैं, 12-13 तारीख और ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा ये। जब और ज्यादा बड़ा साइज उसको क्या नाम देते, ग्राफिन पॉलिक्यूल या मैच्योर पॉलिक्यूल, ये अपना बेस्ट हो गया ना अब उसका। अब इससे ज्यादा बना बच्चा करा कि अब हम पूरा हम रात भर 24 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, अब नहीं हुआ तो हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। अभी भी तुम जानता कुछ होने वाला नहीं उससे, है ना, अभी भी क्या निकलेगा उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, ब्रेन एकदम पगला गया, वो करा कि अब नहीं हुआ था उसको लाओ गर्दने हाथ उसका पैर तोड़ तार देते हैं, है ना, बेकार मतलब इतना एनर्जी खर्च किए, है ना जी। ग्राफेन पॉलिक्यूल पे बहुत ज्यादा डोज पड़ता है सर, अब बहुत ज्यादा डोज किसका पड़ता है, एलएचएफएसएस बहुत ज्यादा निकल, अभी यहाँ से 2 एरो दिए ना, और 2 एरो से आप यहाँ पे 4 एरो कर देते हैं, LHFSS बहुत ज्यादा निकल रहा है। ब्रेन कर रहा है कि भाई हमको एस्ट्रोजन पर इंडोमेट्रियम की दीवार को बड़ा कर दो किसी तरह से ताकि भविष्य में बच्चे को चिपकाने में ये मदद करेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है उसके साथ, कोई है क्या, तो हम बता रहे थे कि आपको, है ना जी। तो LHFSS के ज्यादा आपको डोज निकालता है ब्रेन, और ज्यादा डोज निकालने की वजह से सर क्या इसका साइज और बड़ा हो जाता है, और ज्यादा बड़ा होगा तो एस्ट्रोजन और ज्यादा निकलने लगेगा सर, एस्ट्रोजन ज्यादा निकलेगा तो सर क्या होगा सर, मतलब अपना पूरा दे रहा है सर एस्ट्रोजन, ठीक है, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं सर। क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि सर सिर्फ म्यूकस बन के आएगा, इससे क्या होगा म्यूकस में थोड़ा बहुत साइज बढ़ जाएगा जी, ठीक है। इसमें देखोगे इंडोमेट्रियम में दीवार पहले इतना था, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया जी, ठीक है, लेकिन सर हमको उम्मीद था कि इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, जो कि नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। समझा रहा किस दौरान पॉलिकुलर फेज के दौरान, अब ब्रेन एकदम नाराज से नाराज हो गया, पूरा LH का बाढ़ ले आता है जी, ठीक है, LH का लहर, है ना, सर्ज ऑफ LH, है ना जी। 14 तारीख के डेट में, 14 तारीख के डेट में क्या होता है, सर्ज ऑफ, सर्ज में लहर होता है जी, ठीक है, सर्ज ऑफ, है ना, टाइट ले आया किसका आपको, है ना, आपको LH का, है ना, LH बहुत ज्यादा निकाले क्योंकि LH है ना एक्सप्लोजन बना रहा है जी, है ना, LH इतना ज्यादा ले आया सर, ठीक है, जब गया ना उसको मारने के लिए ग्राफिन पॉलिक्यूल को, तो ग्राफिन पॉलिक्यूल फट ही गया सर, ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा किनारे वाला सेल पे लोड पड़ा ना, ठीक है, करना क्या है, किनारे वाला सेल है उस पर ज्यादा लोड दे रहा है LH, अब ज्यादा LH लोड देगा तो पूरा फट जाता है सर ग्राफिन पॉलिक्यूल, और जब ग्राफिन पॉलिक्यूल फटता है सर तो उसके अंदर मौजूद सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, याद आ रहा है जी। इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप यहाँ पे बना रहे हैं, ग्राफिन पॉलिक्यूल रैप्चर कर गया, और रैप्चर करने जो सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या हो जाएगा सर आपको बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। और सेकेंडरी ओसाइट जब बाहर आ जाता है सर, ठीक है, तो 14th डे के दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है जी, समझा रहा जी, LH सर्ज की वजह से होता है। मेडिकल में ये पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, LH सर्ज काउज, LH का जो सर्ज आता है 14 तारीख के डेट में, है ना, ये क्या काउज करता है, काउज ओवुलेशन। देखो मकसद था जो हम पढ़ा रहे हैं, ये मकसद है कि इंडोमेट्रियम की दीवार को बड़ा करना था, ब्रेन काम ले रहा है सर किससे, ग्राफेन फॉलिक्यूल से काम ले रहा है, बट ग्राफेन फॉलिक्यूल कांट ना, वो अपना नहीं दे पा रहा अपना पूरा बेस्ट, क्योंकि सर उसका काम बस म्यूकस बनाने वाला हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस बनाता है, फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव फीचर है उसको कंट्रोल करता है, यानी फीमेल का जो SST होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो किसके कंट्रोल में होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल में होता है सर। काउज ओवुलेशन 14 तारीख के डेट में क्या हो जाएगा सर, आपको ओवुलेशन हो जाता है जी, ठीक है। और देखो स्टूडेंट बोल भी रहा है, देखिए मेरे घर में बहुत सारा समस्या है, ठीक है, मेरे घर में ये है वो है, हमको इतना माहौल नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से पढ़ के दे, हमको ऐसा माहौल दे दीजिए तो पढ़ते हैं जी, तो जैसे उसके बाद नहीं जिम्मेदारी था ना उसको, एक छोटी सी मतलब लड़की थी उसको हटाया, वो तब कहा कि आप काम करेंगे, नहीं इससे लोड था ना जी, एक तरह से एक फीमेल इसके बॉडी में था, मतलब सेकेंडरी उसका एक गैमिट था, वो बोला कि अगर ये चला जाएगा तो हम फ्री होकर के काम करना शुरू कर देंगे जी। जब ग्राफेन फॉलिक्यूल से सेकेंडरी उसका एक बाहर निकल जाता है सर, तब जो बच जाता है ना ग्राफेन फॉलिक्यूल उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, इसका नाम क्या पड़ जाएगा सर आपको, कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो देख रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम, है ना जी, कॉर्पस
ल्यूटियम है ना जी, जैसे वो लड़का बोल रहा था कि आप पहले टेंथ, जैसे मैंने कोई स्टूडेंट है वो लड़का बोला कि पहले 12th पास कर लेते फिर देखिए आपको कंपटीशन का क्या, हम सब सब मेडिकल निकाल के दिखा देंगे ना जी, ना जी कहें कि 12th का ही पास करने का, घर वाला 12th का ही हमको पैसा दिया है ठीक है जी। तो ऐसा कुछ लड़का बोल रहा था, अब वो लड़का 12th पास भी कर गया ठीक है, अब आप पर है ना जी तैयारी है ना जी, अब लग गया तैयारी में है ना जी, अब लगा ना तैयारी में, तो अब आया कॉर्पस ल्यूटियम है ना जी। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है सर आपको, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना के देता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और अभी हम थोड़ा देर पहले भी पढ़ाए थे आपको, आपको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देना होता है जी ठीक है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा जी, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा। और ब्लड सप्लाई जैसे बढ़ जाएगा सर आपको, सर जो इंडोमेट्रियम का साइज बोले यहाँ तक खून जाता था सर आपको, यहाँ तक खून आता था, अब ये खून क्या अंतिम अंतिम तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा सर, ज्यादा से ज्यादा तो हर एक सेल को खाना मिलेगा, हर एक सेल को खाना मिलेगा, हर एक सेल क्या करेगा डिवाइड करेगा, और डिवाइड करते करते साइज क्या होता है तुरंत इंक्रीज नहीं कर जाएगा, दिमाग लग रहा है हम क्या बनाना चाहे, मतलब जब 14 तारीख के डेट में आया सर ठीक है, तो ओवुलेशन हो गया, बच्चा हुआ जो सेल था उसका नाम क्या पड़ गया, कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन निकालता है आपको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 15 तारीख के डेट में आ गया हम लोग, 15 तारीख के डेट में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का आपको लेवल बढ़ने लगता है सर, प्रोजेस्टेरोन के लेवल जो इंडोमेट्रियम छोटा था सर, अब ब्रेन भी खुश हो गया कि भाई मेरा आप काम हो रहा है, जो लड़का जो टेस्ट दे रहा है टेस्ट में नंबर अच्छा ला रहा है, उससे क्या होता है सर साइज इसका बढ़ते जा रहा है ठीक है, इस तरह से साइज बढ़ते जा रहा है इंडोमेट्रियम का, सब कुछ एकदम खुश है ना, और सरफेस एरिया भी क्या इंडोमेट्रियम का बढ़ गया अपना यहाँ पे है ना जी। अभी ब्रेन को याद आता है हम कर क्यों रहे थे है ना जी, कर इसलिए रहे थे ना ताकि बच्चा माँ के दिमाग ताकि छिपके इमेजिनेशन करो। अब यहाँ पे दो संभावना है ना जी, ये जो ओहम निकला था है ना जी, इधर से जो ओहम निकला था वो कहाँ आया था सर, इसमें फ्लैपिन ट्यूब में ना, अब फ्लैपिन ट्यूब में आने पर दो संभावना है, या तो उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा या तो उसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, ये ना दो संभावना चल रहा है जी ठीक है। तो ब्रेन तो ये मकसद लेके चला था, ब्रेन का तो ये अपना थिंकिंग, टीचर का थिंकिंग क्या होता है कि आपको कामयाब बना दे ठीक है, ये थोड़ा सोचा कि खराब हो जाएगा ये है ना जी। उसी तरह से यहाँ पे ब्रेन का ये थिंकिंग है कि फर्टिलाइजेशन होगा है ना जी, भले वो लड़की अभी 14 साल की अंडर एज है ना, उसका कोई आपको सेक्सुअल पार्टनर नहीं है जी ठीक है, तब वो क्या करता है सर, ब्रेन से ये नहीं सोच रहा है, 14 साल की उम्र से मेंस्ट्रुअल साइकिल होना शुरू हो जाता है अमूमन हाँ जी, और ब्रेन ये सोच रहा है कि सर हो सकता है कि 14 तारीख के जो फर्स्ट डे में जो फर्स्ट मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम निकला है ओवम फर्टिलाइज करता है, अब बच्चा माँ के दीवार से आके चिपकता है सातवां दिन आकर के, देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम कहते ना स्पर्म ओवम यहीं पे आकर के मिलता है जी ठीक है, जब स्पर्म ओवम मिलता है ना तो यहीं पे जायगोट बनता है सर, जायगोट एक सेल होता है सर, ये एक से दो सेल बनता है, दो से चार, चार करते 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 32 सेल का जब हो जाता है तो 32 सेल के स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वो ब्लास्टोसिस्ट माँ के दीवार से आकर के चिपकता है सर। तो इंडोमेट्रियम तो खुल तैयार है कि भाई हम तो तैयार बैठे हुए, आओ हम आपको अच्छे से कांटेक्ट कर लेंगे, मतलब अच्छे से पकड़ लेंगे जी ठीक है, समझा ना जी। तो लेकिन सर सातवां दिन आएगा, मतलब 21 तारीख की डेट में, मतलब अगर 14 तारीख के दिन में फर्टिलाइजेशन होता है ना जी, अगर स्पर्म भी आपको हम कह भी थे 24 घंटा का लाइसेंस पैन है जी, किसका ओवम का, इस हिसाब से 14 तारीख की डेट में या 15 तारीख की डेट में फर्टिलाइजेशन होगा जी ठीक है, और उसके 7 दिन बाद मतलब 21 तारीख की डेट में, नहीं तो 22 तारीख की डेट में क्या बच्चा माँ की दीवार से चिपकेगा। तो ब्रेन पॉजिटिव होकर सोच रहा है, ब्रेन ये सोच रहा है कि लड़की का कहीं क्रॉस होगा और उसके अंदर में जो गैमिट होगा वो फर्टिलाइज कर जाएगा, तो सातवां दिन बच्चा माँ की दीवार से चिपकेगा। हम उस दिन तैयार, देखो कभी भी कोई भोज वगैरह होता है तो पहले दिन से तैयारी करता है ना, कि सातवां दिन जाके तैयारी करेगा, जो जिस दिन आपको जिस दिन शादी आने होने वाला रहेगा उसी दिन जाके जाके सामान सब लेके आएगा, बेकूफी होगा ना जी ठीक है। मतलब क्या कि सर जब 21वां दिन या 22 तारीख की डेट है ना जी, 21 तारीख की डेट में या 22 तारीख की डेट में बच्चा जो है माँ की दीवार से अटैच होने वाला है ठीक है, तो उससे पहले क्या करता है ब्रेन सोचता है क्या कि हम इंडोमेट्रियम को ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर दे। तो सर इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम भी अपना पीक पे आ जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज बड़ा होता जाएगा, ज्यादा बड़ा होगा तो सर इंडोमेट्रियम की दीवार और ज्यादा क्या होगा जी, बड़ा होता चला जाएगा, समझ रहा जी साजी। हेलो, यस सर, हाँ इंडोमेट्रियम का दीवार जो होगा सर आपको और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। ये कब तक होता है सर, ये 22 तारीख के डेट में है ना जी, 22 तारीख के डेट तक आपने, 21 तारीख के डेट तक आपको ये और ज्यादा बड़ा हो चुका रहेगा, मतलब इंडोमेट्रियम का दीवार क्या हो चुका सर आपको, लार्ज एंड लार्ज साइज का हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विच आपको सप्लाई इंक्रीज द मेनी फोल्ड ऑफ ब्लड सप्लाई, बहुत ज्यादा ही ब्लड सप्लाई को बढ़ा दिया सर, बॉडी में भी अब सब कुछ ठीक है, और साथ साथ क्या सर आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इंडोमेट्रियम का दीवार उसमें भी ब्लड सप्लाई यहां तक आ गया। अब ब्रेन का मानसिक क्या चल रहा है, अब ब्रेन का मानसिक चल रहा है 21 तारीख की डेट में बच्चा आ जाएगा जी ठीक है। संदा राजन क्या चाहें, जैसे मान लीजिए कोई है ना आपको केरल से बारात आने वाला है यहाँ दरभंगा की तरफ है ना जी, अब उसका जो 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 उसका जो ये है मतलब लड़की का जो पिता है वो डेट फिक्स किया था 21 तारीख के डेट में है ना जी, 21 तारीख के डेट में हम लोग डेट फिक्स करते हैं ठीक है, लेकिन वो बोल दिया कि हमारा ट्रेन से ट्रेन लेट होगा तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं ठीक है जी, तो कहा ठीक है एक दिन लेट होगा ना 22 तारीख होगा 22 तारीख के आकर के शादी कर लेंगे ठीक है, मतलब टाइम का कोई बॉन्डिंग नहीं, खाली आ जाए तब हो जाए ठीक है जी। तो ब्रेन भी यही सोचे भाई या तो 21 तारीख को आपको शादी हुआ या तो 22 तारीख का शादी हुआ, पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है जी ठीक है, ट्रेन आए भी नहीं किया है ना जी,
कोई बात नहीं, 23 को हम तक आ जाए, ठीक है जी, मतलब 21 नहीं तो 22 नहीं तो 23 है ना जी, मतलब ब्रेन सोचता है कि आपको 23 को आ जाएगा, ठीक है, फिर ब्रेन सोचता है 23 नहीं, चलो 24 आ जाएगा, ठीक है, फोन उनका जमाना नहीं है, ठीक है, बस ओरली कह दिया गया था कि आ जाएगा जी, ठीक है, ऐसे करके, है ना जी, मतलब ब्रेन ये सोचता है, ठीक है, कि आपको 23 नहीं तो 24 तारीख को आ जाएगा, मतलब मान लीजिए वो लड़की, अगर आप लोग को कॉमन सेंस दिया जाए, ठीक है, देखिए ये मान लीजिए लड़की अभी 14-15 साल की, जिसका कोई मेल पार्टनर नहीं है, उसमें मतलब फर्टिलाइजेशन ना हुआ होगा जी, हम लोग जानते हैं, लेकिन ब्रेन को थोड़ी पता है, ब्रेन तो सर आपको ब्लड से ना कम्युनिकेट कर रहा है, थोड़े देख रहा है कुछ भी, ठीक है जी, वो आपको ब्लड से, आपको हार्मोन क्या होता है, ब्लड कम्युनिकेशन करता है ना, तो ब्लड कम्युनिकेशन करने के दौरान ब्रेन ये सोच रहा है कि 24 तारीख की डेट में हो सकता है फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन सॉरी मतलब 24 तारीख की डेट में बच्चा माँ के दिवस आके अटैच हो जाए, फर्टिलाइजेशन होना था 14-15 तारीख की डेट में ही होना था, अब ब्रेन को कुछ पता नहीं इसका, है ना, पता तब चलेगा जब बच्चा माँ के दीवार आके चिपकेगा भी, ठीक है, तो ब्रेन ये खिड़की लेके चल रहा है कि किस तारीख की डेट में इम्प्लांटेशन होगा, या नहीं तो 22 तारीख की डेट में इम्प्लांटेशन होगा, या नहीं तो सर क्या होगा सर आपको 23 तारीख की डेट में, मतलब करते करते 26 तारीख तक वेट किया जी, 7 दिन एक्स्ट्रा ले लिया थ्रेश होल्ड, मतलब 21 तारीख लेकर 28 तारीख तक वेट किया, 28 तारीख हो गया, ब्रेन इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना GNRH निकाल रहे, इतना LHFSS निकाल रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कॉर्पस लूटे में टॉर्चर कर रहे हैं, डेली इसको पीट रहे हैं, तो भाई तू काम कर रहा है, जैसे अभी मतलब इस साल का नीट का एग्जाम तो देखो एग्जाम्पल है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम का कोई डेट नहीं है, ठीक है, अभी तक नीट 2021 का कोई डेट ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चले कि कहीं हो ना, ठीक है जी, तो बच्चा तो भगा देंगे ना जो आया हुआ मेरे यहाँ कॉम्पिटिशन बच्चा, तो वही बात यहाँ पे भी है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना जी, तो कॉर्पस ल्यूटियम पे खूब धक्का दे रहा ब्रेन कि भाई तू करते रहना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालते रहना, कोई भी दिन आ सकता बच्चा है ना, 21 तारीख को नहीं तो 22 ना 23 ना 24 ना 25, तो ब्रेन कितना इंतजार करेगा जी, ठीक है, 7 दिन तक इंतजार क्या, मतलब हार्मोन लंबा इफेक्ट देता है ना जी, कहते हैं ना अभी 7 दिन पहले क्लास में कि हार्मोन जब निकलता तो एक दिन में थोड़े छोड़ देगा, तो वो 7 दिन तक इंतजार किया, आया अभी स्लो से 5 तारीख के डेट 6 तारीख के डेट आना शुरू किया, और 21 तारीख के डेट में उसको बच्चा माँ के दिवस से चिपकना था, और चिपका चिपका नहीं चिपका छोड़ देना चाहिएगा, लेकिन नहीं, वो 7 दिन तक इंतजार किया, मतलब 28 तारीख तक इंतजार किया, 28 तारीख तक इंतजार करने के बाद उसको लगा ए नहीं हुआ कुछ, मतलब आया ही नहीं बच्चा, ठीक है जी, वो कह रहा हम इतना खर्चा किए ना, जो लड़की का जो बाप था इतना खर्चा किया था ना, बारात वरात सब लाया हुआ था पूरा एकदम टेंट उंट सब सब तोड़ तार के फिक्स कर गए, सबको इधर उधर से रद्दी रद्दी उड़ा देगा, ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है 28 तारीख के डेट में, देखो यहाँ आ गए हम लोग 28 तारीख के डेट में, जो टॉर्चर चल रहा था ब्रेन की तरफ से, ब्रेन क्या टॉर्चर कर रहा था, GnRH हार्मोन निकाला था और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसको LHFSS के नाम से हम लोग जानते हैं, उधर निकालना बंद कर देगा, अब मान लो कोई बच्चा को मास्टर नहीं मिले, कोई देखना कोई तो कोई भी बच्चा कहता ना हम यूट्यूब से देख के पढ़े, थिएटर होता है कभी जिंदगी में पढ़ लेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है जी, ठीक है, वो जब तक मास्टर ऊपर से टॉर्चर नहीं करता ना तो बच्चा पढ़ लेगा, देखना 7 दिन में 6 दिन तो आराम करेगा, 7वां दिन सातवां दिन पढ़ लेगा, फिर थोड़ा सा पढ़ लेगा और फिर उसका फिर 7 दिन आराम करेगा, ठीक है, इसलिए देखो कभी भी अपने अंदर में मेंटोर जिसको बोलते हैं आप, नहीं अगर आपको टीचर नहीं चाहिए तो मेंटोर रखता बहुत बच्चा, मतलब पहले से पढ़ा हुआ है तो क्या रखता है अपने नहीं गाइड करने वाला इस टाइप का, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि 28 तारीख के डेट में है ना सर ब्रेन LHFSS निकालना बंद कर देता है, अब LHFSS निकालना बंद कर देगा तो कॉर्पस ल्यूटियम खौफ खाना बंद कर देगा ना जी, कॉर्पस ल्यूटियम जिसका खौफ खा रहा था वो खौफ आपको खत्म हो गया, और जैसे खौफ खत्म है कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम मरा 28 तारीख के डेट में, तो सर आपको कॉर्पस ल्यूटियम में मर जाने से है ना जी आपको प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रीशन कम जाएगा ना, याद करो अभी क्या बोले थे 28 तारीख के डेट में LHFSS बंद हो गया, और जैसे बंद हुआ सर क्या हुआ सर आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निकालना भी तो बंद हो जाए, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सोर्स ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना बंद हो गया तो ब्लड सप्लाई घट जाए, जो ब्लड यहाँ तक पहुंच रहा था सर अब वो ब्लड क्या होगा सर यहीं तक पहुंचेगा या ना भी पहुंचे तो सर ये सब पूरा सूखने लगेगा ना, और सूखेगा तो टूटेगा ना जी, टूटेगा तो सर क्या होगा झड़ेगा ये सब, हटेगा तो सर ब्लड का पाइप भी कट गया, अब जो भी ब्लड आ रहा है वो बाहर जहां से शुरू किया वहीं आ गए क्या, इस सब वही ना था क्या जी, वही ना था जहां से शुरू किया वहीं आ गए, बोलो जी तुम लोग ऑनलाइन वाले सर कुछ गया दिमाग में कि फिर से सुनाए, समझ गए सर, और कोई बोलो मुनीर तुम बोलो समझ में आया, हेलो हेलो सर, यस सर समझ में आ गया, आप बोलो तुम बोलो जी तुम बोलो, आप प्रगति बोल रही है ना सर, आप तो बोल रहे थे कि सेकेंडरी वो साइड 45 मिनट तक रहता है सर, आप तो बोल रहे थे सेकेंड, हेलो हाँ बोलो बोलो आप बोलो, हाँ आ रहा आवाज, आप तो बोले थे कि 45 ही मिनट्स तक रहता है फैलोपियन ट्यूब में या फिर 2 आवर्स तक, आवाज समझ नहीं आ रहा है, एक बार टाइप करो तुम, माइक फिर से खराब हो गया, टाइप करो तो क्या रुक जाओ, बोलो तो आप, अब बोलो तो, अब बोलो तो प्रगति, आ रहा है सर, हाँ हाँ आ रहा आ रहा है सर, आप तो बोले थे सेकेंडरी ओसाइट 12:45 मिनट से 2 आवर्स तक ही रहता है,
आप अभी बोल रहे 7 दिन तक इंतजार करते हैं। नहीं नहीं हम 24 आवर से 48 आवर बोले थे। हाँ ये हम बोले कि 28 मतलब सॉरी मतलब 14 तारीख या 15 तारीख के दिन फेलोपियन ट्यूब में रहेगा और उस फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेगा। अगर मान लीजिए कोई फीमेल अंडर एज है तो उसमें फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, नहीं तो वहीं पे मरा रहेगा फेलोपियन ट्यूब में, है ना जी। पर ब्रेन को इस बात का पता नहीं चलता है क्योंकि हम बोले थे ना कि ओवम के चारों तरफ जोना पेलेसिडा का लेयर होता है, ब्रेन कम्युनिकेट नहीं कर पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है उसके साथ, है ना जी। उसको लगता है उस पार्सल के अंदर में अभी भी ओवम जिंदा है ना जी। और वो ब्रेन ये सोचता रहता है कि 21 तारीख के दिन है ना इम्प्लांटेशन होगा या नहीं होगा, इस तरह से सोचने लगता है, समझी। हाँ उसको ये नहीं फील होता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है, वो बस इम्प्लांटेशन का इंतजार करता है, समझी। यस सर, यस सर। गौर करना इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सब है, सब समझ में आ जाता है। अभी बस एक बार ओरली रिवाइज कर देते हैं जितना बोर्ड पे लिखे हैं, रुक जाओ। आवाज आ रहा है देखो तो? यस सर। हाँ आप क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, अभी 5-10 मिनट और, कल एनसीईआरटी का पिक्चर समझेंगे, एनसीईआरटी बुक का भी पिक्चर का समझना है ना। देखिए हम लोगों ने आपको क्या बताया, ठीक है। हमने आपसे यहाँ से शुरू किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला जो दिन होता है उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, 30-40 डे का आपको 30-40 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है। इस दौरान इंडोमेट्रियम का दीवार टूटता है, फैलोपियन ट्यूब का भी दीवार टूट जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ है ना जी वेजाइना का जो वॉल होता है ये सब टूटता रहता है, ठीक है। ये सब क्यों टूट रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई के नहीं होने के कारण सब देखने को मिलता है, और ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है जी, ये सब टूटता है। और मेस्ट्रुअल फ्लो सब कहलाता है, मेस्ट्रुअल फ्लो लिक्विड स्टेट में रहता है। अब लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है इसको हम साबित करेंगे कल, अभी तो यही बताएं कि मेस्ट्रुअल फ्लो लिक्विड स्टेट में रहता है और कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है इस दौरान, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट जाता है इस दौरान। अब पिछले महीना का जो सेकेंडरी ओसाइट मरा पड़ा होगा कहीं पे 24 घंटा के बाद, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था ना अगला महीना मेंस्ट्रुअल चला है, तो यहाँ पे आपको ये सेकेंडरी ओसाइट भी बाहर आ जाता है। ब्रेन समस्या की बात नहीं होना चाहिए, ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। ब्रेन 6 तारीख के डेट में GnRH हार्मोन निकालता है, ये LHFSH निकलवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसको गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ये LHFSH क्या करता है, ओवरी के दीवार को स्टिमुलेट करता है, और ओवरी के दीवार से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन बनाता है। सिर्फ शुरुआत में सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, दोनों हार्मोन एक साथ नहीं बन रहा है, शुरुआत में सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है LH के खौफ से। और FSH का काम क्या है, सेल के साइज को बढ़ाना, सेल के नंबर को बढ़ाना होता है, ठीक है। सेल का नंबर बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है, जिस वजह से हार्मोन का कंसेंट्रेशन भी बढ़ रहा होता है। 14 तारीख तक आते आते बहुत एक्सेस बड़ा साइज का हो जाता है, बहुत बड़ा साइज का हो जाता है ये, जिसको हम लोग ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। और उस दिन 14 तारीख के दिन में ब्रेन ये सोचता है कि हम इंडोमेट्रियम दीवार को बड़ा करना चाहते हैं, ब्रेन एक पॉजिटिव सोच लेकर चल रहा है कि आगे जाके बच्चा मां के दीवार से चिपकेगा, इंडोमेट्रियम का साइज बड़ा होना चाहिए, तो वो साइज बड़ा नहीं कर पाता एस्ट्रोजन, और इस वजह से इस पे LH का सर जाता है, LH का लहर आता है इस पे, और LH का लहर काउच करता है ओवुलेशन को, सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकाल देता है। सेकेंडरी ओसाइट के बाहर निकल देने बाद जो ग्राफिन फॉलिकल बचता है उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां से दो बात होता है, ठीक है, 14 तारीख के डेट के बाद दो घटनाएं घटते, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हम अभी लेके चले याद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। कल जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ से बात करेंगे फर्टिलाइजेशन वो भी सकता है ना जी, क्लियर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 12 बजे इससे हम आगे बोलना चाहे तो बोल सकते थे, लेकिन चलिए कल देखते हैं इसको भी हम। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी बस 2 मिनट और, हम बताना चाहते हैं या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, ठीक है जी, इमेजिनेशन कीजिए आप लोग कि अगर फर्टिलाइजेशन आपको है ना नहीं होता है, फिर भी ब्रेन है ना सर तैयारी करता रहता है कि क्या करता है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ब्रेन को ये बात पता नहीं चलता है, ब्रेन हार्मोन से ना काम करता है, हार्मोन का यही गंदा इफेक्ट होता है कि वो
है ना, आपको एक लगा रहता है ट्रैक को, है ना जी, उस ट्रैक को फॉलो करता रहता है और 21 तारीख के डेट तक का इंतजार करता है हार्मोन, ब्रेन हार्मोन, ब्रेन मतलब LHF रुको ना देखिए तो तैयार क्या होने लगती है, अजीब हाल है, ऐसे तो हो गया छुट्टी दे देना बैठा दूंगी आप साल में तो बैठवा है ना। तो जोश खत्म हो जाता है अंदर पढ़ाने का, ठीक है। तो बता रहे कि आपको इसमें कि 15 तारीख के डेट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और हम बता रहे थे कि आपको ब्रेन 21 तारीख तक इंतजार करता रहता है, ठीक है, कि अगर आपको इम्प्लांटेशन हो तो इस दिन आपको इंतजार करता है, मतलब 21 तारीख या 22 तारीख के डेट तक है ना आपको इंतजार करता है, ठीक है। ब्रेन को पता नहीं रहता है कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसको ये बात का कम्युनिकेशन नहीं रहता है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बस इंतजार करता है 22 तारीख में बच्चा चिपकेगा मेरे पास तैयारी पूरा है, वो इंडोमेट्रियम में दीवार को बड़ा करके बैठा हुआ है, बस इंतजार कर रहा है किसी दिन बच्चा आके चिपक जाए, ठीक है। ब्रेन देखा 22 तारीख में कुछ नहीं चिपका, मतलब उसको सिग्नल मिल जाता है कि चिपक गया या नहीं चिपका है, ठीक है। जैसे चिपका है ना जी तो ब्रेन समझ गया ठीक है, नहीं चिपका तो ब्रेन इंतजार करता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक इंतजार कर सकता है, ठीक है। किसी किसी में 35 तारीख तक इंतजार कर लेता है, ठीक है, समझा रहे हैं क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम या एवरेज का जाए 28 तारीख तक आपको इंतजार करता है। अगर उस दिन भी नहीं हुआ तो ब्रेन समझ जाता है मेरे लिए बेफालतू का काम है ये, है ना, एनर्जी बिना मतलब का हम बर्बाद कर रहे इधर, है ना, इससे अच्छा कोई और बॉडी का पार्ट को डेवलप करने में लगा देता पूरा एक्टिविटी, है ना जी। तो वो क्या करता है ना, GnRH निकालना बंद कर देता है कुछ दिनों के लिए, है ना जी। जैसे देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, कुछ दिन के लिए वैकेशन देगा ना। वही बात यहाँ भी है कि ब्रेन GnRH LHF से निकलना बंद हो जाता है ब्रेन की तरफ से, जब ये निकलना बंद होता है कॉर्पस सीटम को टॉर्चर मिलना बंद हो जाता है, और कॉर्पस सीटम को जब टॉर्चर नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो इसका जो आपको जो देखते हैं सर ये मतलब ये कॉर्पस से मर जाता है, और कॉर्पस से जिस दिन मरा उस दिन से आपको क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम नहीं लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है जो इंडोमेट्रियम दीवार इतना बड़ा आपको बना है सर, है ना जी, है ना, आपने की कहा जाए एक तरह से आपको बड़ा टावर जो बना था आपको इंडोमेट्रियम का, वो सब क्या होता है ब्लड सप्लाई की कमी होने के कारण है ना आपको आपको स्लैक मतलब छिलका जैसा बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, कटने लगता है, तो ब्लड पाइप भी कट जाता है, और ब्लड पाइप भी कटने से सर क्या होता है सर आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ गए थे, और उसमें जो फिलोपियन ट्यूब में मरा हुआ जो उगम होगा वो भी बॉडी से ब्लड के साथ बाहर आ जाता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है ना, लिक्विड फॉर्म में सब कुछ सर्ज के साथ बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कल जो मिलेंगे ना तो हम लोग ये पढ़ेंगे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या हो, है ना जी, तब क्या ब्रेन उसको बंद कर देगा या कंटिन्यू करेगा, ये कल का क्लास भी आएगा, कल भी आइए, ठीक है, और डेली आना है, बारिश हो तब भी आना है, ठीक है, लेट तक फुल इंतजार करना गेट का, फिट करके आना भी जाना, तोड़ तार देना जी, अगर